नमस्कार, आप सबका स्वागत है। राजद्वार के परसन थाना क्षेत्र में पुलिस शनिवार को एक नवविवाहिता और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर थाने लाई। नवविवाहिता को भगा लिए जाने के आरोप में प्रेमी को जेल भेज दिया गया। वहीं नवविवाहिता ने पुलिस को बताया कि पिछले दो साल से उसका अफेयर चल रहा था, इसी बीच उसकी किसी और से शादी कर दी गई। पति पसंद नहीं था, इसलिए वो प्रेमी के साथ भाग गई। घटना आदर्श गांव गादी की है। पुलिस के हत्थे चढ़ा विक्रम यादव 20 और नवविवाहिता दोनों ही कोडरमा जिले के मसमोहना गांव के रहने वाले हैं। लड़की की शादी इसी साल 18 अप्रैल को पर्सन ओपी के गादी में हुई थी। उसकी माने तो पढ़ाई के दौरान बीते दो वर्षों से उसका विक्रम के संग अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो आनन फानन में उसकी शादी मनीष पंडित से कर दी गई, जो उसे पसंद नहीं था। नवविवाहिता ने कहा, दोनों को अगर अलग कर दिया गया तो हम दोनों मर जाएंगे। ओपी प्रभारी दिलेश्वर कुमार ने बताया कि मनीष पंडित ने पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। छानबीन करने पर पता चला कि लड़की दिल्ली में है। जब लड़की के परिवार वालों पर दबाव बनाया गया तो लड़की के दादा सुरेश पंडित और लड़का के भाई दीपक यादव ने लड़की को सरिया पहुंचाया, जहां से दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरिडीह भेज दिया है। हालांकि जिस तरह दोनों बयान दे रहे हैं, इससे लगता है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है।